बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ पिशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 साइंस क्लास फॉर क्लास 4। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स आर दोज लिविंग थिंग्स, और द एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग थिंग्स फॉर देयर फूड। बट एनिमल्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू मेजर ग्रुप्स। दीज आर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। These are vertebrates and invertebrates. Animals, boys, animals जो हैं वो living things हैं जो अपने लिए food खुद नहीं बना सकते। वो दूसरे living things पर depend करते हैं अपने food के लिए। Animals को further divide किया है two major groups में, और इन two major groups को हम कहते हैं vertebrates and invertebrates। वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स ये मेजर ग्रुप्स हैं एनिमल्स के। और एनिमल्स क्या हैं? वो वाले लिविंग थिंग्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और दूसरे लिविंग थिंग्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। अब हम इनवर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की ग्रुप्स को जो हैं वो अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिटेल में जाने से पहले दोबारा सुन लें कि एनिमल्स वो लिविंग थिंग्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और वो दूसरे लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। और इन एनिमल्स को फर्दर डिवाइड किया हुआ है टू सब मेजर ग्रुप्स में, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, और दूसरा ग्रुप है इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स हम कैसे इनको डिफाइन करेंगे? वर्टिब्रेट्स द एनिमल्स विच हैव बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। वो वाले एनिमल्स जिन में बैकबोन होता है उनके बैक पे, जो इनकी कमर है उनके सेंटर में जो बोन होता है उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो वो वाले एनिमल्स जिनके बॉडी में सेंट्रल बैक पे सेंट्रल बोन हो उसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। या सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि वो वाले एनिमल्स जिसमें बैक बोन है वो वर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स द एनिमल्स विच डू नॉट हैव अ बैक बोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। वो वाले एनिमल्स जिनमें सेंट्रल बैक बोन ना हो वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स हैव बैक बोन, इनवर्टिब्रेट्स हैव नो बैक बोन। ये दोनों का डिफरेंस भी है कि वर्टिब्रेट्स एनिमल्स वो वाले एनिमल्स हैं जिनमें बैक बोन होता है, और इनवर्टिब्रेट वो वाले एनिमल है जिसमें बैक बोन नहीं होता। लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। हॉर्स है, स्नेक है, डॉल्फिन है, एलिफेंट है, फ्रॉग है, टोड है, फिश है, कैट है, एट्सेट्रा। नाउ इनवर्टिब्रेट्स में सारे इंसेक्ट्स टाइप के जो हैं वो क्रिएचर्स लिविंग थिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। एंट्स हैं, जेली फिश है, स्टार फिश है, बीज हैं, ये हनी बी हैं, ऑक्टोपस हैं, अर्थवॉर्म हैं। ये सारे इनवर्टिब्रेट की जो हैं वो टाइप्स हैं या एग्जांपल्स हैं। वर्टिब्रेट्स में हमारे पास जो इतने एनिमल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, हॉर्स है, बर्ड्स हैं, और फिश है, फ्रॉग है, ये हमारे पास वर्टिब्रेट हैं और इनकी बॉडी में बैकबोन प्रेजेंट है। ये एंट्स, बीज, अर्थवॉर्म, यहाँ पर जो आपको इंसेक्ट्स नज़र आ रहे हैं इनके बॉडी में जो है वो बैकबोन नहीं है, इसलिए इनको इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। नाउ लेट अस फर्दर स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। नाउ दिस इज़ द क्लासिफिकेशन के एनिमल्स। एनिमल्स क्या चीज़ थी?
कौन से लिविंग थिंग्स थे जो अपना फूड खुद नहीं तैयार कर सकते, अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो दूसरे लिविंग थिंग्स से लेते हैं। फिर हमने इनकी दो मेजर जो हैं वो क्लासेस ग्रुप्स देखी हैं। फर्स्ट ग्रुप जो था वो हमारे पास वर्टेब्रेट, सेकंड ग्रुप जो था वो इनवर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट को फर्दर डिवाइड किया हुआ है 5 क्लासेस में। वर्टेब्रेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 5 क्लासेस: मेमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश। ये 5 क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है 5 क्लासेस में। वर्टिब्रेट्स वो वाले एनिमल्स हैं जिनमें बैकबोन है। इन वर्टिब्रेट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 5 क्लासेस में। इन वर्टिब्रेट वो वाले एनिमल्स हैं जिनमें बैकबोन नहीं है, इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है, और उन ग्रुप्स में इनको, जिस ग्रुप में इनको डिवाइड किया जाता है उनको फाइलम बोलते हैं, और वो नंबर्स में ज़्यादा हैं आपके पास, उनको फाइलम्स बोलते हैं। और वर्टिब्रेट्स को जो फर्दर डिवाइड किया गया है उनके उन ग्रुप्स को क्लासेस कहा जाता है। तो मेमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश 5 क्लासेस हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर 5 क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट? 5 क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट: फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मेमल्स। नाउ लेट अस डिस्कस दीज 5 क्लासेस इन डिटेल्स। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में आपके जो क्लास दी है मेमल्स, मेमल्स का फिजिकल फीचर जो है वो डिस्कस हुआ है यहाँ पे। दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, ठीक है, इनकी जो है वो अपने यंग वंस को की बर्थ करते हैं, फीड देयर यंग वंस, और अपने यंग वंस को जो है वो खुद मिल्क के साथ जो है वो उनको फीड किया जाता है। इनकी बॉडी पर फर और हेयर आर प्रेजेंट ऑन देम, इनकी बॉडी पे जो है फर होते हैं या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये वार्म ब्लडेड हैं, मेमल्स आर वार्म ब्लडेड, और इनका फीचर क्या है कि इनकी बॉडी पर हेयर होते हैं या इनकी बॉडी पर फर होता है। इनमें इनका दूसरा फीचर क्या है कि ये अपने यंग वंस को फीड करते हैं मिल्क के साथ, ये यंग वंस की जो है वो बर्थ करते हैं। इनका बिहेवियर किस तरह से है कि हाइबरनेशन, डीप स्लीप, हाइबरनेशन कहते हैं। दिस इज़ अ पीरियड इन द लाइफ ऑफ एन एनिमल इन विच इट गोज थ्रू अ लॉन्ग टाइम फॉर स्लीप, और ये हाइबरनेशन होती है बेयर्स में। बेयर्स जो हैं वो सारी समर सीज़न जो हैं वो एक्टिव रहते हैं, जैसे ही विंटर सीज़न आता है वो केव्स में जाके छुप जाते हैं, और थ्रू आउट विंटर सीज़न वो सोए रहते हैं। अब इस दौरान उनकी डेथ नहीं होती, इसका ये मतलब नहीं है, उन्होंने जितना समर सीज़न खाया हुआ होता है ना, वो एज अ फैट उनकी स्किन के नीचे जमा हो जाता है, और जितने वक्त के लिए वो सोए रहते हैं वो फैट जो है वो मेल्ट हो के उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और उनको लाइव रखता है। पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी एंड लो बॉडी टेम्परेचर इन विंटर्स, हाइबरनेशन की ये डिफिनेशन दी है। स्क्विरल्स हाइबरनेट इन बोरोस, और जो गुलहरियाँ हैं, स्क्विरल्स हैं, वो भी जो बोरोस हैं उनमें हाइबरनेट हो जाती हैं, और इसके अलावा हाइबरनेशन जो है वो बेयर्स में भी होती हैं। सो मेमल इज़ द क्लास ऑफ वर्टेब्रेट। Their features are: they give birth to their young ones. Number 2, they feed their young ones with milk. Number 3, they have fur or hair on their body. And behavioral feature kya hai inka? Ke they hibernate. Lekin sare ke sare mammals hibernate nahi karte. Only bears and squirrels, they hibernate in the winter season. They hibernate in the winter season. Birds. Bird is the next class of vertebrate. Birds is the next class of vertebrate. They have hollow bones, yani unki bones jo hain wo andar se khokhli hoti hain, air spaces hoti hain,
भरी हुई बोन्स नहीं है, इस वजह से वो भारी नहीं होते और आसानी के साथ जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। अगर तो ये भारी बोन्स वाले होते हैं जिस तरह से हैन है, ऑस्ट्रिच है, तब ये फ्लाई ना कर सकते। विंग्स फॉर फ्लाइंग, अ पेयर ऑफ विंग्स जो हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं जो उसको उड़ने में मदद देते हैं। और स्पेशल फीचर इसका क्या है जो ऑल एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं है, वो है फीदर्स जो इनके बॉडी पर प्रेजेंट है। हेयर मेमल्स में प्रेजेंट है, फीदर्स जो हैं वो बर्ड्स में प्रेजेंट है। और दूसरा इसका इंटरेस्टिंग फीचर क्या है जो और एनिमल्स में नहीं है, वो है इसकी बीक चोंच। ठीक है, ठीक है बॉयज, के बर्ड्स में स्पेशल दो फीचर्स हैं जो बाकी और एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं है, एक है बीक और दूसरा है फीदर। सो हॉलो बोन्स आर प्रेजेंट इन बर्ड्स, विंग्स फॉर फ्लाइंग एंड फीदर्स ऑन देयर बॉडी। अब इनका बिहेवियर फीचर क्या है, माइग्रेशन। माइग्रेशन कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाना अपने किसी भी रीज़न की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बर्ड जो है वो समर और जो वेदर है उसका आदि है, तो वो विंटर को जो है वेदर कोल्ड वेदर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उन इलाकों में चला जाता है जहाँ पर जो है वो समर का सीज़न चल रहा हो, तो इसको हम माइग्रेशन कहते हैं। बर्ड सच एज गीज हैव रेगुलर सीजनल मूवमेंट ट्वाइस अ ईयर, और गीज जो हैं वो साल में दो मरतबा जो है वो माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। रेप्टाइल, रेप्टाइल जो है वो थर्ड क्लास है वर्टिब्रेट्स की। रेप्टाइल इज़ द थर्ड क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स। इनके फिज़िकल फीचर्स क्या हैं, यानी आप उनको देख के जब देखते हैं तो इनकी बॉडी में आपको क्या क्या नज़र आता है, ड्राई स्केली स्किन, उनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है और उसके ऊपर बड़े बड़े स्केल्स से होते हैं, जिस तरह से क्रोकोडाइल की स्किन पे होते हैं, बड़े बड़े स्केल्स से होते हैं और ड्राई होते हैं। स्किन प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड, और इनकी ये स्किन जो है वो उनको गर्मी और सर्दी से जो है वो बचाती है। इनकी बिहेवियर क्या है कि हाइड बाय ब्लेंडिंग, रेप्टाइल्स सच एज कैमेलियन चेंज कलर टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग्स, वो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सेट करते हैं। कैमेलियन जो है वो एक लिजर्ड टाइप रेप्टाइल है जो अपने आप को फोल्ड कर लेता है और कलर जो है वो अपने आप को अपना जो है वो चेंज कर सकता है। हमने अभी तक तीन क्लासेस पढ़ी, एक है मेमल, मेमल जो था उसके फीचर्स हमारे पास क्या थे कि गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, फीड द यंग वंस विद मिल्क एंड हैव हेयर और फीदर्स फर ऑन देयर बॉडी। बर्ड्स में दो यूनिक स्ट्रक्चर्स हैं जो और एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं हैं, एक तो ये है कि उनमें फीदर्स हैं, नंबर टू उनके पास बीक है, नंबर थर्ड इनके हॉलो बोन्स हैं, यानी उनकी बोन्स के अंदर एयर स्पेसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, अंदर से बोन्स जो हैं वो खोखली हैं, वजन में हल्की हैं। सो दीज स्ट्रक्चर हेल्प देम टू फ्लाई, और ये फ्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंग्स। थर्ड जो हमने पढ़ा है वो है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स हैव ड्राई स्केली स्किन, उनकी स्किन जो है वो ड्राई होती है और ये स्किन उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड। फोर्थ क्लास जो हम अब पढ़ेंगे वो है एम्फीबियंस। तो टैडपोल्स लिव इन वाटर एंड हैव गिल्स। बॉयज सबसे पहले एम्फीबियंस, एम्फीबियन का वर्ड जो है ये असल में ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है कि दो जगहों पर रहने वाला। फ्रॉग दो जगहों पर रहता है, वो अपनी ज़िंदगी शुरू करता है वाटर से और उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तब वो लैंड पे आता है। उसको वाटर, फिर एडल्ट जो फ्रॉग लैंड पर आता है वो अपना एग ले करने के लिए अगेन वाटर में जाता है। सो टैडपोल लिव्स इन वाटर, एग से जो बेबी हैच आउट होता है फ्रॉग का उसको हम टैडपोल बोलते हैं। टैडपोल दिस स्टेज पे जो है जस्ट लाइक अ फिश होता है और वो ब्रीथ करता है गिल्स से, उसके बस जो है फिश की तरह के गिल्स होते हैं और इसके थ्रू वो वाटर में ब्रीथ करता है। एडल्ट फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड एंड हैव लंग्स, जब फ्रॉग
बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तब वो लैंड पे आ जाता है, तब उसकी गिल्स ख़त्म हो जाती है और बॉडी के अंदर जो है वो लंग्स बन जाती हैं। अब वो लैंड पर रहने का जो है वो सेट उसके लिए वो सूटेबल हो जाता है, वो सेट हो जाता है। अब यही फ्रॉग जब वाटर में एग ले करने के लिए जाता है, तब वो अपनी स्किन को ब्रीथ करने के लिए जो है वो यूज़ करता है, थ्रू स्किन जो है वो ब्रीथ करता है। सो फ्रॉग जो है वो अपनी लाइफ में तीन ऑर्गन्स को यूज़ कर रहा है ब्रीथिंग के लिए, एक है गिल्स, दूसरा है लंग्स और तीसरा है इसकी स्किन। और इसकी स्किन मॉइस्ट होती है, इसकी स्किन में स्पेशल ऐसे ग्लैंड्स हैं जो उसको हर वक्त मॉइस्ट वेट रखते हैं उनको। अच्छा, इनमें इनका है बिहेवियर कैसा है कि एक्टिव एट द नाइट, ये नाइट टाइमिंग में एक्टिव होते हैं। एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग रेस्ट इन कूल मॉइस्ट प्लेसेस ड्यूरिंग द डे, और दिन के वक्त वो कूल और जो मॉइस्ट वेट प्लेसेस होती हैं वहाँ पर रहता है। सो दे डू नॉट हैव मच वाटर लूज फ्रॉम देयर स्किन, इस वजह से वो अपनी स्किन से ज़्यादा वाटर जो है वो लूज़ नहीं कर पाता क्योंकि वो वाटर के करीब होता है। फिश इज़ द फिफ्थ क्लास ऑफ वर्टेब्रेट, फिश लिव इन वाटर। हम सब जानते हैं कि फ़िश का हैबिटेट या फिश का जो नेचुरल होम है वो वाटर है। फिश स्विम विद फिन्स एंड टेल्स, और फिन्स और टेल से जो है वो स्विमिंग करती हैं, ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड स्लाइमी स्केल्स ऑन देयर बॉडी, और इसकी बॉडी की जो है वो कवर होती है स्केल से जो स्लिपी होते हैं। ठीक है, अगर आपने कभी हाथ में फ़िश पकड़ी हो तो वो आपके हाथ से स्लिप हो रही होती है, आपको फील हुआ होगा ना, वो स्लाइमी स्केल्स होते हैं जो इनकी बॉडी को कवर किया होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर इज कॉल्ड अ स्कूल। अब वो अलग ग्रुप फिश का जो टुगेदर स्विम करता है, इकट्ठे स्विम करता है, उसको हम स्कूल कहा जाता है, उस ग्रुप को स्कूल कहा जाता है। स्विमिंग इन स्कूल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स, और ये उनके लिए इसलिए भी बेहतर होता है कि उनको जो दूसरी फिश खाने वाली हैं उनसे ये इसको बचा लेता है। यानी ये ग्रुप की फॉर्म में होता है तो ग्रुप की फॉर्म में प्रेडेटर से वो अपने आप को बचा सकते हैं, और जब वो अकेले होते हैं इंडिविजुअली वो स्विम कर रहा होता है तो वो आसानी से दूसरे एनिमल जो है वो इसको खा सकता है। सो देयर वी हैव स्टडीड फाइव क्लासेस ऑफ वर्टेब्रेट्स, मेमल्स, बर्ड्स, reptiles, amphibians, fish. We have studied five classes, और ये सारी classes जो हैं vertebrate को belong करती हैं। इन five classes के animals के पास जो है वो backbone है, इनकी body के अंदर जो है वो इन bones का एक framework है जिनको skeleton कहा जाता है। चूँकि इनका skeleton inside the body है इसलिए इनको हम endoskeleton कहते हैं। The skeleton which is present inside the body is called endoskeleton. Vertebrates have endoskeleton क्योंकि वो inside the body जो है वो present है। एक मरतबा इसको फिर सुन ले बॉयज़, मेमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, फीड द यंग वंस विद मिल्क, हैव फर और हेयर ऑन देयर बॉडी। बर्ड्स हैज यूनिक स्ट्रक्चर्स, दे हैव फीदर्स एंड बीक, देयर बोन्स आर हॉलो, दे हैव पेयर ऑफ विंग्स एंड विच हेल्प देम फॉर फ्लाई। Reptiles have dry skin and this skin protect them from hot and cold. Tadpole baby is called tadpole which live in water. At this stage they use gills. When they become adult they come on the land and here they are using their lungs for the respiration or for breathing. And when the adult frog goes into the water for egg laying, there they use skin for breathing. Fish live in the water, they swim with the help of fins and tails, and they breathe through gills, and they have slimy scales on their body. Now we are going to discuss the structure of vertebrates
कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इनसाइड देयर बॉडी बोन्स. वर्टेब्रेट्स आर दोज एनिमल्स विच हैव बोन फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन इज कॉल्ड स्केलेटन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. स्केलेटन हेल्प देम टू मूव, दे गिव शेप टू देयर बॉडी, प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स एंड दे ऑल्सो give shape and protect the internal organs just like heart and lungs. Muscles is a type of tissue which is attached to the bone and help them in the movement. Muscles jis tarah se aapko in is arm mein nazar aa rahe hain ye bone ke sath attach hoke body ki movements mein jo hai wo helpful hota hai. Another structure jo ki vertebrate ke liye bahut important hai, this is teeth. Different animals mein different teeth jo hai wo present hain. Actual teeth ki jo hai wo four types hain. ह्यूमन बीइंग में ये सारी फोर टाइप्स प्रेजेंट हैं. ये टीथ की टाइप्स जो हैं वो इस तरह से है, कैनाइंस, मोलर, प्री मोलर एंड इंसिजर्स. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ, कैनाइन, मोलर, प्री मोलर्स एंड इंसिजर्स. ह्यूमन बीइंग हैव ऑल दीज फोर टाइप्स ऑफ टीथ इन देयर माउथ. So these are the structure number one, bones which give shape to their body, help the body in the movement, protect the internal organs of the body. Muscles are attached with the bone and help in the movement, क्योंकि अकेला bone तो काम नहीं कर सकता, वो तो इनको आपस में join करने के लिए भी जो है वो muscles use होते हैं. Teeth जो food को chew करने में, teeth is used for chewing of the food. उसको चबाने में, grind करने में या उसको bite करने में use होता है. different animals में different types of teeth हैं और teeth के हमारे पास जो हैं वो four types हैं, canines, molar, premolar, incisor and human being have all four types of teeth. Now vertebrates also have important internal organs. इसमें है number one stomach, it is a bag like structure and it help in the digestion of the food. Stomach आपके पास bag like structure है, यहाँ पर food जो है वो digest होता है या food digest food की digestion जो है यहाँ पर start हो जाती है. Brain is the control center of the body. It is present in the head region. ठीक है, brain आपके पास head region में होता है, control center है body का और बहुत से सारी की सारी activities जो हैं वो brain के अंडर control है, जैसे thinking, speaking और बहुत सारी activities, या हम कह सकते हैं कि body की सारी activities जो हैं वो brain के अंडर control है. Heart is a pumping organ और वो pump किसको करता है, blood को. It circulate the blood inside the body. और blood को सारी body में जो है वो circulate करता है. Lungs, pair of lungs is present in the body and here exchange of gases takes place. Oxygen अंदर जाती है, carbon dioxide बाहर आती है. So the animal they help an animal to take in air and out. एयर का अंदर जाना, ऑक्सीजन का लेना, एयर का बाहर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना. सो हमने जो वर्टिब्रेट के स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उसमें बोन्स ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप स्केलेटन. मसल्स आर अटैच विद द बोन एंड हेल्प इन द मूवमेंट. टीथ आर यूज फॉर चीविंग ऑफ द फूड. टाइप्स ऑफ टीथ, देयर आर फोर टाइप्स, कैनाइन, मोलर, प्री मोलर एंड सीजर्स. इंटरनल ऑर्गन्स, उसकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स जितने हैं उसमें इम्पॉर्टेंट ऑर्गन स्टमक है, बैग की तरह का है इसका स्ट्रक्चर और इट डाइजेस्ट द फूड और ये फूड की डाइजेशन करता है. ब्रेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, हेड रीजन में ये प्रेजेंट होता है, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है और पंप वो किसको करता है, ब्लड को, जो सारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है. लंग्स, अ पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट इन द चेस्ट एंड हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टेक इन एयर एंड टेक आउट एयर, इट इज़ डन बाय द लंग्स. दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ वर्टेब्रेट्स. दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्टेब्रेट्स.
बॉयज, अब हम इनवर्टिब्रेट्स पे जाएंगे। हाउ इनवर्टिब्रेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वर्टिब्रेट्स। अभी आपने डिफिनेशन में मैंने आपको बताया था ना कि वर्टिब्रेट्स की बॉडी में तो बोन्स हैं और जो उसको शेप भी दे रहे हैं, उसको खड़ा भी करते हैं, उसको मूवमेंट में भी मदद दे रहे हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स वाले एनिमल्स कौन से होते हैं जिन जो वर्टिब्रेट्स से अलग हैं, इनमें बोन्स नहीं है। तो जो बोन्स नहीं होंगी तो इनकी बॉडी जो है वो कैसे मूव करेगी, उनकी बॉडी के ऑर्गन्स क्या वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, वो कैसे इनसे अलग हैं, अब हम इनको स्टडी करते हैं। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स आर द मोस्ट न्यूमरस ग्रुप्स ऑफ द लैंड। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि 90% ऑन दिस लैंड इज इनवर्टिब्रेट्स। आपके पास सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स इस लैंड पर हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं और कम एनिमल्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं। सो मोस्ट ग्रुप्स जो है वो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स जिस ग्रुप में प्रेजेंट है तो वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ऑल हैव कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। हर एक इनवर्टिब्रेट जो है वो दूसरे इनवर्टिब्रेट से अलग है, लेकिन इनमें कुछ कॉमन फीचर्स भी हैं। दे हैव नो बैकबोन और स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल कहते हैं बैकबोन को, ठीक है। एंड दे हैव नो बोन्स, और बोन्स जिस तरह से आपके हैंड्स में हैं, आपके लेग्स में हैं, आपके चेस्ट में जो बोन्स है, इस तरह के बोन्स उनकी बॉडी में नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्केलेटन इज़ नॉट प्रेजेंट और स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं है, यानी बैकबोन भी उसका नहीं है। सम इंसेक्ट्स हैव स्केलेटन बट इट इज़ एक्सटर्नल। अब इंसेक्ट्स के पास जो है वो एक स्केलेटन है जो कि काइटन का बना हुआ है, इसको हम काइटन बोलते हैं। और ये स्केलेटन जो है ये एक हार्ड सा शेल होता है, बट दिस इज़ नॉट इनसाइड द बॉडी, दिस इज़ आउटसाइड द बॉडी। चूँकि ये आउटसाइड द बॉडी है दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ स्केलेटन इज़ कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी वर्टिब्रेट में आपको बताया था कि स्केलेटन इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एंडोस्केलेटन। इनर स्केलेटन है वर्टिब्रेट्स में, बट ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल स्केलेटन इज प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एक्सोस्केलेटन्स। और एक्सोस्केलेटन इज काइटन विच इज प्रेजेंट इन द इंसेक्ट्स। दे आर एग्लिंग इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स ऑल एग्लिंग, जितने भी इनवर्टिब्रेट है वो एग ले करता है, कोई बर्थ नहीं करता बेबीज की, वो एग ले करता है। द इनवर्टिब्रेट एनिमल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और इनके ग्रुप्स को जो है वो फाइलम्स कहते हैं। अगर आप इनमें आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्कस हैं, दीज आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट, दीज आर द फाइलम्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब आपके पास इनवर्टिब्रेट की एग्जांपल्स आप देख ले सकते हैं। यहाँ पे स्नेल्स हैं, शेल्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, वॉर्म्स हैं, लीच है, सेल, ये सारी की जो हैं वो टाइप्स हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स की हैं। इनवर्टिब्रेट्स में अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर को, और वो है हनी बी का स्ट्रक्चर। हनी बी इज़ एन इंसेक्ट, इट हैज़ एक्सोस्केलेटन विच इज काइटन। हनी बी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। हनी बी बॉडी इज डिवाइडेड, यानी जितनी भी बीज हैं उनकी बॉडी डिवाइडेड है इनटू थ्री पार्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स हैं। अगर मैं कहूँगी इंसेक्ट्स तो सारे इंसेक्ट्स की बॉडी जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर वन हेड, नंबर टू थोरिक्स, नंबर थ्री एब्डोमेन। हेड, थोरिक्स, एब्डोमेन। फिर दूसरी जो स्पेशल फीचर है इनके पास वो क्या है कि देयर आर सिक्स लेग्स इन द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में सिक्स लेग्स होती हैं। हाउ मेनी लेग्स आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स? सिक्स लेग्स। एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? थ्री पार्ट्स। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एंड दे हैव सिक्स लेग्स। अब इनके पास पेयर है विंग्स का, और वो कौन सी रीजन में होता है, कौन से पार्ट में? थोरेक्स में।
थोरिक्स के पार्ट में इनके पास पेयर ऑफ विंग्स होता है जिसकी जो उसको हेल्प करता है फ्लाई करने में. सो हेड, थोरिक्स, एब्डोमेन, और दे हैव सिक्स पेयर ऑफ लेग्स, दे हैव पेयर ऑफ विंग्स इन द थोरिक्स रीजन. फ्रंट पे हेड रीजन में इनके पास जो है वो एंटीना होता है या फीलर है जिससे वो आगे की चीज़ को फील करता है और मूव करता है. ठीक है, हमने यहाँ पर जो पढ़ा वो हनी बी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि इसका बॉडी जो है वो किस तरह से है. तो बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन. बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, थ्री पार्ट्स, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. इन द थोरेक्स रीजन, इन द थोरेक्स पार्ट, दे हैव अ पेयर ऑफ विंग्स, दे हैव अ पेयर ऑफ विंग्स इन द थोरेक्स रीजन. दे हैव सिक्स लेग्स या दे हैव थ्री पेयर ऑफ लेग्स, उनके पास थ्री पेयर्स हैं लेग्स की, या हम कहते हैं उनके पास सिक्स लेग्स हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बी, एंड सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन ऑल इंसेक्ट्स. जिस तरह से अगर हम एंट लेंगे तो एंट में भी हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन है, सिक्स लेग्स हैं, लेकिन वहाँ पर फिर विंग्स जो हैं वो नहीं हैं. ठीक है, हेड, थोरिक्स, एब्डोमेन और सिक्स पेयर ऑफ सॉरी थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट इन दैम. और फ्रंट पे जो फीलर्स हैं हेड रीजन में, उनको एंटेनास कहा जाता है. Thank you very much, boys. This is all about the vertebrates and invertebrates. Vertebrates and invertebrates are the major groups of animals. Animals are those living things which cannot make their own food. Vertebrates have five classes: fish, amphibians, birds, reptiles, and mammals. Invertebrates have groups which is called phylum, and all the insects are present in invertebrates. Insects belong to invertebrates. Skeleton is present inside the body of the vertebrates. It is called endoskeleton. Skeleton which is present in the invertebrate, this is outside the body, and it is called exoskeleton. Fish live in water, they have slimy scales. Frogs, amphibians live both in land and in water, and there they use, in water they use gills and skin, and on the land they use lungs for breathing. Reptiles have scaly dry skin, and this skin help them from very hot and cold feelings. Birds have unique structure of feathers and beak, and have wings which help them in the flight. Mammals have hair or furs on their body, and they give birth to the young ones, and they feed their young ones with the milk. So this is all about the animals, vertebrates and invertebrates. I hope you will understand today's lesson. Wish you best of luck, and thank you very much. Allah Hafiz.